नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं गैजेट देखो चैनल्स। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक हेलमेट का रिव्यू कि मॉनसून हेलमेट है और आपको इस सीज़न के अंदर जो बारिश का सीज़न चल रहा है इसमें थोड़ा स्टाइलिश लगेगा और देखने में भी अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये हेलमेट का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँ और कैसा है मैं आपको बताऊँ, आपको ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए और आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसका डिज़ाइन आउटलुक देख लेते हैं कि इसका आउटलुक कैसा है। जैसे इसके ऊपर क्लाउड्स बने हुए हैं और ये इसके ऊपर बैक डिज़ाइन बना हुआ है और ये कोई भी पहन सकता है, जैसे कि यंगर्स फीमेल्स के लिए या मेल के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका ये बना हुआ है एयर सर्कुलेशन के लिए, इसमें आपकी जिसमें एयर सर्कुलेट होती रहे ताकि आपको सिर के ऊपर पसीना वगैरह मतलब कि ना आए। और ये है होंडा का और इसको मैन्युफैक्चर करती है स्टील बॉट कंपनी, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। तो इसका जो ग्लास है वो भी स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल अच्छी है और स्टील बड है तो ओबियसली अच्छी होगी। और दूसरी बात जो इसकी डाइमेंशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन लोग इसमें इसको पहन सकते हैं। इसका जो डाइमेंशंस है, साइज़ है इसका 560 mm, और इसका जो ये देखिए जो स्टील बड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, और काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। उसका जो प्राइस रहेगा वो 1200 रुपये है, लेकिन आपको 1150 या 1200 के आसपास आपको ऑफलाइन मार्केट में या ऑनलाइन मार्केट में दोनों में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। बात करूँ तो प्राइस की बात करूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर ये प्राइस 800 से 900 रुपये होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और बाकी अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं इस मानसून सीज़न में तो आप ख़रीद सकते हैं, काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश लगेगा। और अगर आपको मेरा छोटा सा ये हेलमेट का रिव्यू अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर मैं ऐसे रिव्यू और आपके लिए लेके आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। थैंक यू सो मच।